Good morning, students. Welcome back. How are you all? Hope you all are fine. Very good. Now we are going to start our new topic. As you can see, it's written here past perfect tense. ठीक है? Earlier in the previous video, in the previous classes, we have done present perfect tense. Remember, present perfect tense किया हमने. अब हम आज क्या करेंगे? Past perfect tense. As present perfect tense is simple, same past perfect tense is also very simple. ठीक है? In the previous class we have done that, and now today we are going to do which tense? Past perfect tense. So what is past perfect tense? ठीक है? See, an action that happened before another one began in the past. पहली बात तो इस past से पता चल रहा होगा. From this word past. This shows that we are talking about the past time, भूतकाल जिसे कहते हैं, जो काम हो चुका है, जो time बीत गया है, ठीक है? तो उस time में जो action हुआ, an action that happened before another one began in the past, कोई काम हमने past में किया, दूसरा काम शुरू होने से पहले, means हमने पहले एक काम करा, ठीक है? वो काम हमारा continuation में है, उसके बाद we have started the another work, फिर हमने उसके बाद दूसरा काम किया, ठीक? और happened sometime in the past, या वो काम past में कभी हुआ था, ठीक है? Very simple it is, means two actions at a time, but how? दो काम एक साथ हुए, लेकिन कैसे? पहला काम होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ, so that type of tense is known as past perfect tense. ठीक है? Very simple it is. Again I am reading it. See, an action, कोई काम that happened before another one began in the past or happened sometime in the past. कोई भी काम, what any work which was going on, वो हो रहा था, उसके बाद हमने दूसरा काम start किया, या कोई काम हमने past में किया, कहीं पे कभी वो काम हुआ था. So for that we use past perfect tense. ठीक? Now what is the rule of past perfect tense? ये भी आपको पता होना चाहिए कि past perfect tense का rule क्या होता है. इसका rule बहुत ही simple है. The rule of this is very simple. आपको present perfect tense का rule याद है? Do you remember? उसमें क्या करते थे हम? Use of has or have plus third form. ठीक है? इसमें हम करते हैं, इसका जो rule है, the rule is use of had, ठीक, plus third form. Very simple rule, use of had along with third form. Had का use, it is used for both the forms, both the nouns, singular and plural. No matter the subject is singular, then also we use had. No matter the subject is plural, then also we use had. ठीक है? तो ये दोनों फॉर्म्स ऑफ दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से होते हैं? नाउन और प्रोनाउन, पता है ना? ही, शी, रवि, रमेश, लाइक दैट. एंड दिस प्लूरल के लिए भी वी यूज द सेम हैड. ठीक है? एंड थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? रिमेंबर प्रीवियस वाला जो हमने करा था प्रेजेंट उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें क्या था? थर्ड फॉर्म को दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर थर्ड फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल. सो दिस इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, द यूज ऑफ हैड, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म. वेरी सिंपल इट इज, बहुत इजी है, वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक है? नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू विल बी गेटिंग इट मोर क्लियरर इन योर माइंड्स. एग्जांपल की हेल्प से ये और अच्छा आपको याद हो जाएगा. दे हैड लेफ्ट बिफोर we reached. Now see, they had left
दे इज वॉट, इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, ठीक. हैड, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है. लेफ्ट, थर्ड फॉर्म. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है लेफ्ट की? लीव. लीव इज द फर्स्ट फॉर्म. द थर्ड फॉर्म ऑफ लीव इज लेफ्ट. ठीक है, बिफोर वी रीच्ड, हमारे आने से पहले ही वो जा चुके थे. सो देखो यहां पे दो एक्शन हो रहे हैं. वी, बिफोर वी रीच्ड, दे हैड लेफ्ट. दो काम हुए, एक एक्शन पहले हुआ, दूसरा एक्शन बाद में हुआ. हमारे आने से पहले ही वो वहां से जा चुके थे. ठीक है, एक आया दूसरा गया. सो दिस टाइप ऑफ एक्शन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स. सो दिस मच इज देयर इन पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हेन यू विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस इट विल बी मोर क्लियर टू यू. वेरी सिंपल इट इज टू रिमेंबर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.